ओम शांति। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ वीसीडी नंबर 743, क्लेरिफाइड ऑन 25 अगस्त 2007 एट कोलकाता। ओम शांति। आज का रात्रि क्लास है 25 दिसंबर 1967। ओम शांति। टुडेस नाइट क्लास इज डेटेड 25 दिसंबर 1967। म्यूजियम या प्रदर्शनी आदि खुलती है तो चित्र वहाँ रखे हुए हैं। When a museum or an exhibition etc. is opened, the pictures are displayed there. उन चित्रों में से पहले पहले किस चित्र पर ले जाते हैं? Which picture do you explain first among those pictures? पहले तो दो बाप का परिचय देना पड़े। First, you have to give the introduction of the two fathers. और फिर बताना पड़े कि बाप किसको कहा जाता है। एंड देन यू नीड टू टेल देम हु इज कॉल्ड द फादर। मनुष्यों को व देवताओं को भगवान तो नहीं कहा जा सकता। ह्यूमन बींग्स एंड डेटीज सर्टनली कांट बी कॉल्ड गॉड। बाकी रहा निराकार शिव। एज फॉर द रेस्ट देयर इज द इनकॉर्पोरियल शिव। उनको भगवान भी कहा जाता है, शिव बाबा भी कहा जाता है। ही इज कॉल्ड गॉड एज वेल एज शिव बाबा। और त्रिमूर्ति तो है ही। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट देयर इज डेफिनेटली द त्रिमूर्ति। गायन भी है कि बाप ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना करते हैं। इट इज ऑल्सो फेमस द फादर परफॉर्म्स द टास्क ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ब्रह्मा हिमसेल्फ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना काहे की करते हैं? व्हाट डज ही एस्टैब्लिश थ्रू ब्रह्मा? ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। ही एस्टैब्लिशेस द ब्राह्मिन रिलीजन थ्रू ब्रह्मा। और विष्णुपुरी की राजधानी है। एंड विष्णुपुरी द अबोड ऑफ विष्णु इज द कैपिटल। परंतु बाप खुद तो स्वर्ग का मालिक नहीं बनते हैं ना? बट द फादर हिमसेल्फ डजंट बिकम द मास्टर ऑफ हेवन डज ही? निराकार परमपिता परमात्मा विष्णुपुरी का मालिक नहीं है। द इनकॉर्पोरियल सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल इजंट द मास्टर ऑफ विष्णुपुरी। ब्रह्मा के द्वारा ही विष्णु की राजधानी की स्थापना करते हैं। He establishes the capital of Vishnu through Brahma himself. ये लक्ष्मी नारायण ही ब्रह्मा और सरस्वती का ये ब्राह्मण कुलभूषण चोटी स्थापन करता है। These Lakshmi and Narayan themselves establish the topmost jewels of the Brahmin clan of Brahma and Saraswati. और वो तो नई दुनिया स्वर्ग हो गई। And that is certainly the new world. That is heaven. बाकी तो सब ही धर्म खलास हो जाते हैं। Rest, all of the religions are destroyed. विष्णुपुरी में और कोई धर्म नहीं होता है। There is no other religion in विष्णुपुरी. इस समय तो सब पतित हैं। Everyone is sinful at this time. और विष्णुपुरी है पावन। On the contrary, विष्णुपुरी is pure. ये सब है पतित मनुष्य। All these are sinful human beings. और इन पतितों को बाप ही पावन बनाने वाला है। It is only the father who purifies these sinful ones. बाप ने बहुत जन्मों के अंत में आकर के प्रवेश किया है। The father has entered him at the end of many births. ये पतित है। He is sinful. फिर योग बल से ही पावन बनते हैं। He becomes pure
ओनली थ्रू योग बल। और योग बल से ही पराजय प्राप्त होती है। एंड ही अटेन्स किंगशिप थ्रू योग बल इटसेल्फ। पहले परिचय बाप का, फिर त्रिमूर्ति का, फिर गोले में संगम दिखाना पड़े। फर्स्ट यू शुड गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ द फादर एंड देन ऑफ द त्रिमूर्ति। देन यू शुड शो द कॉन्फ्लुएंस एज इन द पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड ड्रामा व्हील। सतयुग में थोड़े होते हैं और कलयुग में बहुत होते हैं। देर आर फ्यू सोल्स इन द गोल्डन एज एंड मेनी सोल्स इन द आयरन एज। वहाँ होता ही है एक राजा। देर इज ओनली वन किंग देर। भारतवासी चाहते हैं वहाँ एकता हो, एक राज्य हो, एक मत हो। द भारतवासी विश देर शुड बी यूनिटी, वन किंगडम एंड वन ओपिनियन देर। सतयुग में एक ही राज्य होता है। देर इज जस्ट वन किंगडम इन द गोल्डन एज। और वहाँ पवित्रता भी है। एंड देर इज ऑल्सो प्यूरिटी देर। अभी अनेकों के विनाश के लिए तैयारी हो रही है। नाउ प्रिपरेशंस आर बीइंग मेड फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ मेनी। शिव बाबा नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करते हैं। शिव बाबा एस्टैब्लिशेस द न्यू वर्ल्ड एंड डिस्ट्रॉयज द ओल्ड वर्ल्ड। भारत का उत्थान और पतन, ये बात सबको समझाई जाती है। He explains to everyone about the rise and fall of Bharat. सतयुग में भारत सतो प्रधान था। भारत वो सतो प्रधान इन द गोल्डन एज। अभी तमो प्रधान बना है। Now it has become तमो प्रधान। फिर योग बल से सतो प्रधान बन जाते हैं। It becomes सतो प्रधान through योग बल अगेन। और कोई भी मनुष्य राजयोग नहीं सिखला सकता सिवाय परमपिता परमात्मा के। नो ह्यूमन बींग कैन टीच राजयोग एक्सेप्ट द सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल। सूर्य का भी समझाया है, सूर्यवंशी राज्य और चंद्रवंशी राज्य। इट इज एक्सप्लेन इन द पिक्चर ऑफ द लैडर द सूर्यवंशी किंगडम एंड द चंद्रवंशी किंगडम। और अभी कहेंगे शूद्रवंशी राज्य। एंड नाउ इट विल बी सेड इट इज द शूद्रवंशी किंगडम। फिर बाप राजयोग सिखलाते हैं। देन द फादर टीचेस राजयोग। अगर तुम कहेंगे पवित्र बनना है तो वो दलील देते हैं कि देवताओं को भी तो बच्चे थे ना। इफ यू से आई वॉन्ट टू बिकम प्योर दे आर्ग्यू द डेटीज ऑल्सो हैड चिल्ड्रन डिडंट दे। इस बात पर जिरह नहीं करनी है। यू शुडंट क्रॉस क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक। पहले तो टेम्पटेशन दो। फर्स्ट गिव देम टेम्पटेशन। बाप स्वर्ग का रचयिता है। द फादर इज द क्रिएटर ऑफ हेवन। तुम स्वर्ग के मालिक थे। यू आर द मास्टर्स ऑफ हेवन। तमो प्रधान से या फिर सतो प्रधान बनना है। Now you have to become सतोप्रधान from तमोप्रधान again। मनुष्य तो पवित्रता की बात से ही डर जाते हैं। People get scared just listening to the topic of purity। झगड़ा विघ्न आदि सब इस पवित्रता पर ही होते हैं। Fights take place, obstacles etc. arise on the issue of purity alone। तो समझाना चाहिए कि राजयोग तो कोई सन्यासी आदि नहीं सिखा सकते। सो यू शुड एक्सप्लेन नो सन्यासी एटसेट्रा कैन टीच राजयोग। ये तो बाप ने ही घर गृहस्थ में रहकर राजयोग सिखाया है। इट इज द फादर अलोन हु हैज टॉट राजयोग व्हाइल लिविंग इन द हाउस होल्ड। जब भी कोई को समझाया जाता है तो आत्मा समझ करके सुनाना है। Whenever you explain to someone, you should consider yourself as a soul and narrate it। देखना है उनको बात समझ में आती है और समझ करके बोलता है। You should check whether he understands it and responds after understanding it।
उनकी कांध हिलती है, खुशी होती है। Does he nod his shoulders or feels happy? अगर वो उल्टा सुल्टा प्रश्न आदि करते हैं तो उनको छोड़ देना चाहिए। If he asks an improper question etc., you should leave him. जब तक बाप का परिचय बुद्धि में नहीं बैठा है तब तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए। Until the introduction of the father has set in his intellect, you shouldn't proceed further. ऐसे ही थोड़ा बहुत समझा करके रवाना कर देना चाहिए। You should send him off after explaining him a little. समझ लेना है। You should think. ये हमारे कुल का नहीं है। He doesn't belong to our clan. बाप तो रचयिता है ना? The father is the creator, isn't he? बाप आते हैं तो आकर के वर्षा देते हैं। When he comes, he gives you the inheritance. तो पहले तो नब्ज देखनी है। So, you should check his pulse first. और उनको समझाओ तो भी आत्मा देखना है। And even when you explain to him, consider him as a soul. हम अपने भाई को समझाते हैं। ऐसे ही समझना चाहिए। You should think, I explain to my brother. बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। The father says, remember me alone. वो बाप है ही ऊंचे ते ऊंचे। That father is definitely the highest of the high. उनको याद करने से अंतमते सुगति हो जाएगी। If you remember him, your final thoughts will lead you to your destination. अर्थात तुम ऊंच गति को पावेंगे। It means you will reach a high destination. ऐसे ऐसे समझाना है। You should explain like this. ऐसे कभी मत समझो कि फायदा कुछ नहीं होता है। Never think there is no benefit. नहीं। No. प्रजा भी तो बननी है ना? The subjects also have to become ready, don't they? प्रजा वर्ग का होगा तो संदेश मात्र लेकर के चला जाएगा। If he belongs to the subject category, he will go away just after receiving the message. बाकी पवित्रता के लिए पुरुषार्थ नहीं करेंगे। As for the rest, he won't make purusharth of purity. पवित्र नहीं रहेंगे तो भी अंत में सजाएं खाकर स्वर्ग में आ जाएंगे। Even if he doesn't stay pure, he will suffer punishments and come in heaven at the end. इतने सब पवित्र थोड़े ही बनते हैं। Not all of them become pure. ज्ञान सुनने मात्र से भी काफी फायदा होता है। There is a lot of benefit just by listening to the knowledge. ऐसे ऐसे समझाना है। You should explain like this. पवित्र होकर फिर गिर पड़ते हैं। They fall after becoming pure. वो तो कोई नई बात नहीं है। That isn't something new. बाप तो कहते हैं मैं तो हर 5,000 वर्ष के बाद आता हूँ। The father does say, I come after every 5,000 years. तुम तो स्टूडेंट्स हो। You are students. स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाला टीचर तो याद आवेगा। Students will certainly remember the teacher who teaches them. टीचर से पढ़ते हो ना? You study from the teacher, don't you? तो शिव बाबा याद पड़े। So, you should remember Shiv Baba. वो ऊंचे ते ऊंचे गुरु भी है। He is the highest of the high guru. वो ही ज्ञान का सागर भी है। He himself is the ocean of knowledge as well. फिर भक्ति और ज्ञान का फर्क भी समझाना चाहिए। Then, you should also explain the difference between bhakti and knowledge. ज्ञान सागर द्वारा ही ज्ञान की सदगति होती है। There is true liberation of knowledge through the ocean of knowledge alone. वो ज्ञान सागर तो एक ही है। That ocean of knowledge is just one. मनुष्य को कब भी ज्ञान का सागर पतित पावन
अथवा प्यार का सागर नहीं कहा जाता है। ह्यूमन बींग्स आर नेवर कॉल्ड द ओशन ऑफ नॉलेज, द प्यूरिफायर ऑफ द सिंफुल और द ओशन ऑफ लव। बल वो अपन को जगत गुरु कह देते हैं, किंतु ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। दो दे कॉल देमसेल्व्स जगत गुरु, दे वोंट बी कॉल्ड द ओशन ऑफ नॉलेज। वो लोग शास्त्रों की अथॉरिटी होते हैं। दे आर द अथॉरिटी ऑफ द स्क्रिप्चर्स। परंतु ज्ञान की अथॉरिटी नहीं है। हावेवर दे आरंट द अथॉरिटी ऑफ नॉलेज। ओ तो ऋषि मुनि आदि सब नेति नेति करते आए हैं। ऑल द सेजेस सेंट्स एटसेट्रा हैव बीन सेइंग नेति नेति, वी डोंट नो। कहते हैं हम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। दे से वी डोंट नो द बिगिनिंग मिडिल एंड एंड ऑफ द क्रिएटर एंड हिज क्रिएशन। और बाप तो आते ही हैं कल्प के संगम युग पर। द फादर सर्टनली कम्स इन द कॉन्फ्लुएंस एज ऑफ एवरी साइकिल। युगे युगे थोड़े ही आकर के ज्ञान देंगे। ही वोंट कम इन एवरी एज एंड गिव द नॉलेज। ना आकर के गीता सुनावेंगे। ही विल नीदर कम एंड नरेट द गीता। और न राजयोग सिखावेंगे। नॉर विल ही टीच राजयोग। 25/67 की वाणी का दूसरा पेज। सेकेंड पेज ऑफ द वाणी डेटेड 25/12/1967। बाप कहते हैं मैं तो संगम युग पर ही आता हूँ। द फादर सेज आई कम इन द कॉन्फ्लुएंस एज अलोन। और कोई दूसरे युग में नहीं आता हूँ। आई डोंट कम इन एनी अदर एज। ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि पुरुषों में उत्तम से उत्तम आत्माएं प्रत्यक्ष होती हैं। दिस इज द पुरुषोत्तम कॉन्फ्लुएंस एज व्हेन द बेस्ट सोल्स अमंग द सोल्स आर रिवील्ड। सदगुरु एक ही है। देयर इज जस्ट वन सदगुरु। बाकी तो सब नंबर वार झूठ बन जाते हैं। रेस्ट ऑल ऑफ देम बिकम फॉल्स नंबर वाइज। और वो सदगुरु आता ही है संगम पर। एंड दैट सदगुरु कम्स इन द कॉन्फ्लुएंस एज इटसेल्फ। तो तुम बच्चों को पुरुषोत्तम बनना है। सो यू चिल्ड्रन हैव टू बिकम पुरुषोत्तम। फिर सीढ़ी उतरते आते हैं। देन यू कंटिन्यू टू डिसेंड द लैडर। वो सन्यासी आदि पुरुषोत्तम बन कैसे सकते हैं? हाउ कैन दो सन्यासीज एटसेट्रा बिकम पुरुषोत्तम। मनुष्य तो बिल्कुल ही तमो प्रधान बुद्धि है। ह्यूमन बींग्स डेफिनेटली हैव अ तमो प्रधान इंटेलेक्ट। तमो प्रधान को सतो प्रधान बनने में टाइम लग जाता है। इट टेक्स टाइम फॉर समथिंग तमो प्रधान टू बिकम सतो प्रधान। उसमें मूल बात है कि देह के सभी धर्मों को छोड़ करके अपन को आत्मा समझो और बाप को याद करना है। द मेन थिंग इज लीव ऑल द बॉडीली रिलीजन्स एंड कंसिडर योर सेल्फ एज अ सोल एंड यू शुड रिमेम्बर द फादर। बाप पॉइंट्स तो ढेर सुनाते रहते हैं। द फादर कीप्स नरेटिंग न्यूमरस पॉइंट्स। जैसा जैसा मनुष्य होता है वैसा वैसा उनको मिठाई भी खिलानी चाहिए। एज इज द पर्सन यू शुड सर्व हिम स्वीट्स ऑफ द सेम काइंड। समझो कि जो कुछ भी ड्रामा में हुआ वो सब कुछ ऐसा ही था। थिंक वॉट एवर हैपेंड इन द ड्रामा एवरीथिंग वॉज द सेम। पास्ट की तो जरा भी फिकरात नहीं होनी चाहिए। यू शुडंट वरी इवन अ लिटिल अबाउट द पास्ट। समझना चाहिए कि जो भी हुआ सो कल पहले मिसल पास्ट हो गया। यू शुड थिंक वॉट एवर हैपेंड लाइक अ साइकिल अगो, इट इज द पास्ट। पिछाड़ी की चिंता नहीं करनी चाहिए। यू शुडंट वरी अबाउट द पास्ट। ड्रामा में जो कुछ हुआ सो हुआ। वॉट एवर हैड टू हैपन इन द ड्रामा हैपेंड। भूल हुई फिर 5,000 वर्ष के बाद ऐसे ही होगी। यू मेड अ मिस्टेक, इट विल हैपन अगेन आफ्टर 5,000 ईयर्स।
परंतु आगे के लिए अभूल बनना है। बट यू हैव टू बिकम अभूल फॉर द फ्यूचर। अभूल द वन हु डजंट मेक मिस्टेक्स। कर्मातीत अवस्था वाले को ही अभूल कहा जाता है। द वन विद कर्मातीत स्टेज हिमसेल्फ इज कॉल्ड अभूल। मनुष्य तो भूलों का पुतला है। अ ह्यूमन बीइंग इज एन एफिजी ऑफ मिस्टेक्स। मनन चिंतन करने वाले को ही मनुष्य कहा जाता है। द वन हु थिंक्स एंड चर्न्स हिमसेल्फ इज कॉल्ड अ ह्यूमन बीइंग। मन चंचल होता है। माइंड इज इनकॉन्स्टेंट। चंचलता के कारण भूलें होती हैं। मिस्टेक्स आर मेड बिकॉज ऑफ इनकॉन्स्टेंसी। और अभी तो कोई अभूल बन ही नहीं सकता। एंड नो वन कैन बिकम अभूल एट ऑल नाउ। कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में होगी। कर्मातीत स्टेज विल बी अटेंड इन द एंड। जबकि रिजल्ट भी बाहर आनी होती है। When the result also has to come out. फिर कर्मेंद्रियां बस में हो जाएंगी। Then the कर्मेंद्रिया will be under control. वो कर्मेंद्रियां भी चंचलता नहीं करेंगी। They won't become inconstant either. पहले कर्मेंद्रियां बस में होंगी कि पहले मन बस में होगा। Will the कर्मेंद्रिया be under control first? Or will the mind be under control first? मन है मूल। Mind is the root. मन जब अमन हो जाता है तो कर्मेंद्रिया भी कंट्रोल हो जाती है। When the mind becomes aman, the कर्मेंद्रिया also come under control. चंचलता नहीं करेंगी। They won't become inconstant. आत्मा को याद करेंगे तो फिर कोई भी शारीरिक भान भाव पूरी दृष्टि नहीं रखेंगे। इफ यू रिमेम्बर द सोल यू वोंट हैव एनी कॉन्शियसनेस ऑफ द बॉडी और बैड विजन। ऐसी ऐसी पॉइंट्स बुद्धि में धारण करनी है। यू शुड असिमिलेट सच पॉइंट्स इन द इंटेलेक्ट। बाप तो बैठे हुए हैं। द फादर इज सर्टनली सिटिंग हियर। कह देते हैं सब कुछ ठीक ही चल रहा है। दे से Everything is going on well. हमारा बाबा बैठा हुआ है। Our बाबा is sitting here. वो बाबा तो सभी ही बातों को जानते हैं। He does know everything. बाप की कितनी महिमा है। There is so much of glory of the father. सुख का सागर, पवित्रता का सागर। He is the ocean of happiness, the ocean of purity. उनको तो सब प्रकार की खूबियां सिखलाना आता है। He definitely knows to teach all kinds of qualities. अभी तुम लायक बन रहे हो और बाप ही आकर के लायक बनाते हैं। Now you are becoming worthy and it is the father alone who comes and makes you worthy. पहले नालायक थे। Earlier you were unworthy. बाप कहते हैं कि तुम बच्चे मूर्ख बन गए हो। The father says you children have become foolish. पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। इट इज ओनली द वन फादर हु प्यूरिफाइज द सिंफुल। उसको एवर प्योर कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एवर प्योर। बाकी तुम सब हो सीताएं और एक ही राम है। ऑल द रेस्ट ऑफ यू आर सीतास एंड देयर इज जस्ट वन राम। सब सीताओं को और भक्तों को पावन बनाते हैं। He purifies all the sitas and devotees. तो तुम सब भक्तियाँ भी हो, सीताएं भी हो। So all of you are female devotees as well as sitas. बाप कैसे पढ़ाते हैं, कैसे सिखलाते हैं, वो तुम बच्चों को निश्चय है। You children have the faith. How the father teaches you. स्थापना तो होनी है। Establishment has to take place for sure. ड्रामा का तो प्लान है, पुरानी दुनिया विनाश होगी और नई दुनिया की स्थापना होनी है। It is the drama plan that the old world will be destroyed and the new world has to be established.
ये बाप का प्लानिंग है. दिस इज द प्लानिंग ऑफ द फादर. वो लोग तो कितनी प्लानिंग करते रहते हैं, कर्ज आदि लेते रहते हैं. दोज पीपल कीप डूइंग सो मच ऑफ प्लानिंग. दे कीप टेकिंग लोन्स एटसेट्रा. यहाँ तो कोई प्रकार का कर्ज आदि लेने की बात ही नहीं है. देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ टेकिंग एनी काइंड ऑफ लोन एटसेट्रा हियर. प्लानिंग ही है पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना. द वेरी प्लानिंग इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू वर्ल्ड. और वो तो होनी ही है. एंड इट सर्टनली हैज टू हैपन. यही हमारा प्लान है. दिस इटसेल्फ इज अवर प्लान. सारा ही ड्रामा का प्लान है. ऑल दिस इज ड्रामा प्लान. अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग. अच्छा, रिमेम्बरेंस लव एंड गुड मॉर्निंग ऑफ द स्पिरिचुअल फादर एंड दादा टू द वेरी स्वीट स्पिरिचुअल चिल्ड्रन. छोटा सा रात्रि क्लास और है. 22/12/67. देयर इज अनदर स्मॉल नाइट क्लास डेटेड 22/12/67. तुम बच्चों को सर्विस से बहुतों का कल्याण करना है. यू चिल्ड्रन हैव टू ब्रिंग बेनिफिट टू मेनी थ्रू सर्विस. जितना जितना सर्विस करते जावेंगे उतना अपना भी कल्याण होता जाएगा. द मोर यू कीप डूइंग सर्विस द मोर यू विल ब्रिंग बेनिफिट टू योरसेल्फ एज वेल. सेवा साहे, सेवा करने से ही पद की ऊंचाई का पता चलेगा. यू विल कम टू नो अबाउट द लेवल ऑफ योर पोजीशन ओनली बाय डूइंग सर्विस. कोई कोई को तो सर्विस का बहुत शौक रहता है. देयर आर सम हु हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन डूइंग सर्विस. जिनको शौक होता है ईश्वरीय सेवा का वो कभी भी सर्दी गर्मी आदि नहीं देखेंगे. Those who have interest in doing the ईश्वरीय service, they will never be concerned about cold, heat, etc. कभी भी बहाना नहीं बनावेंगे यहाँ सर्दी है वहाँ गर्मी है. They will never make excuses saying it is cold here, it is hot there. बाप को तो वंडर लगता है. द फादर फील्स एस्टोनिश्ड कि कल पहले मुआफिक बच्चों को कितना सहज ज्ञान मिल रहा है. थिंकिंग द चिल्ड्रन आर रिसीविंग सच इजी नॉलेज लाइक दे डिड अ साइकिल अगो. ये जो विराट स्वरूप का चित्र है कि हम पहले चोटी के ब्राह्मण हैं फिर मस्तक समान देवता बनते हैं. इन दिस पिक्चर ऑफ द कॉस्मिक फॉर्म वी आर द ब्राह्मिन्स ऑफ चोटी द हाईएस्ट लेवल फर्स्ट देन वी बिकम डेटीज इन द फॉर्म ऑफ द हेड. ये भी सिद्ध करके बताना होता है कि चोटी कैसे ऊंची है. यू हैव टू प्रूव दिस टू हाउ द चोटी टॉप नॉट इज द हाईएस्ट. चोटी में गांठ बांधते हैं तो शिव का रूप बन जाता है. When you tie a knot in the choti, it becomes, that is, looks like the form of Shiv. तुमको भी बुद्धि में गांठ बांध लेनी है. You should also tie a knot in your intellect. शिव की याद रहेगी तो तुम चोटी के ब्राह्मण रहेंगे. If you remember Shiv, it is then that you will be the highest Brahmins. ब्राह्मण के पीछे ही देवताएं होती हैं. द डीटीज आर सर्टेनली आफ्टर द ब्राह्मिन्स. सिद्ध करके बताना है कि ब्राह्मण तो पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होते हैं. यू हैव टू प्रूव दैट द ब्राह्मिन्स आर प्रेजेंट इन द पुरुषोत्तम कॉन्फ्लुएंस एज इटसेल्फ. और कोई युग में ब्राह्मण नहीं होते हैं. दे आरंट प्रेजेंट इन एनी अदर एज. ब्रह्मा हो तो ब्राह्मण हो. If there is Brahma, there are Brahmins. और ब्रह्मा कहा ही जाता है तब जब बाप उनमें प्रवेश करे. As a matter of fact, he is called Brahma only when the father enters him. जिस तन में भी प्रवेश करते हैं उनका नाम ब्रह्मा रखना पड़े.
The body he enters has to be named Brahma. Brahma Dwara Sudra se Brahmana bana, mana hi Brahmana kul ka ho gaya. You became a Brahmin from Shudra through Brahma. It means you belonged to the Brahmin clan. ये सब ईश्वर के बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो गए. All these are the children of God, that is Brahmins and Brahminis. परंतु ईश्वर के बच्चों को देवता नहीं कहेंगे. But the children of God won't be called deities. ईश्वर के बच्चों को क्या कहेंगे? What will the children of God be called? ब्राह्मण और ब्राह्मणिया. Brahmins and Brahminis. ईश्वर है शिव. शिव इज गॉड. शिव ब्रह्मा के तन के द्वारा ब्राह्मण ब्राह्मणियों की रचना रचते हैं. शिव क्रिएट्स ब्राह्मिन्स एंड ब्राह्मिनीज थ्रू द बॉडी ऑफ ब्रह्मा. तुम बच्चे भी हो तो पोत्रे भी हो. यू आर हिज चिल्ड्रन एज वेल एज ग्रैंड चिल्ड्रन. ये तुम्हारा ब्राह्मण कुल सर्वोत्तम कुल है. योर ब्राह्मिन क्लैन इज द बेस्ट क्लैन. ये भी समझाना पड़ता है कि हम ब्राह्मण ईश्वर के कुल के हैं. यू ऑल्सो हैव टू एक्सप्लेन वी ब्राह्मिन्स बिलोंग टू द क्लैन ऑफ गॉड. ये सारी प्रजा है. ऑल दीज आर सब्जेक्ट्स. मनुष्य सृष्टि को प्रजा कहेंगे. द ह्यूमन वर्ल्ड विल बी कॉल्ड सब्जेक्ट्स. और ये सारी प्रजा है प्रजापिता ब्रह्मा की. एंड ऑल दीज सब्जेक्ट्स बिलोंग टू प्रजापिता ब्रह्मा. तो प्रजापिता ब्रह्मा का बाप कौन ठहरा? सो हु इज द फादर ऑफ प्रजापिता ब्रह्मा? सारी मनुष्य सृष्टि का बाप तो प्रजापिता. प्रजापिता इज सर्टनली द फादर ऑफ द एंटायर ह्यूमन वर्ल्ड. फिर उसका बाप किसको कहेंगे? Then who will be called his father? कहेंगे शिव बाबा ठहरा. It will be said it is शिव बाबा. जो ब्रह्मा बनते हैं वो ही फिर विष्णु बनते हैं. Those who become Brahma, they themselves become Vishnu. जिस तन में प्रवेश करते हैं नाम ब्रह्मा रख देते हैं. The body which he enters, he names him Brahma. तो जरूर अनेक ब्रह्मा हुए होंगे. So certainly there will be many Brahmas. कोई एक तन में प्रवेश करने की बात नहीं है. It isn't about entering one body. हाँ एक मुकर्रर रहा कहा जाता है. Yes, one Brahma is called the permanent chariot. और बाकी है टेम्पररी. एंड द रेस्ट आर टेम्पररी. जिस नंबर के ब्रह्मा उसी नंबर के विष्णु. वॉट एवर नंबर ब्रह्मा दे आर विष्णु ऑफ द सेम नंबर. विष्णु की भुजाएं भी तो होती है ना. विष्णु हैज आर्म्स टू डजंट ही. कोई ऊपर की भुजाएं हैं, कोई नीचे की भुजाएं हैं, कोई दाईं ओर की भुजाएं हैं, कोई बाई ओर की भुजाएं हैं. सम आर अपर आर्म्स, सम आर लोअर आर्म्स, सम आर राइट साइड आर्म्स एंड सम आर लेफ्ट साइड आर्म्स. कहेंगे तो विष्णु की भुजाएं ना. हाउएवर दे विल बी कॉल्ड द आर्म्स ऑफ विष्णु. फिर भुजाएं हैं तो भुजाओं को चलाने वाला भी कोई है. इफ देर आर आर्म्स देर इज ऑल्सो समवन हु कंट्रोल्स देम. भुजाएं बाप के बगैर काम नहीं कर सकती. द आर्म्स कांट वर्क विदाउट द फादर. और बाप साकार के बगैर कोई काम नहीं कर सकता. एंड द फादर कांट वर्क विदाउट द कॉर्पोरियल वन. तो ब्रह्मा पांच दिखाए जाते हैं. सो फाइव ब्रह्मास आर शोन. उनको चतुरानन भी कहा जाता है, पंचानन भी कहा जाता है. ही इज कॉल्ड चतुरानन एज वेल एज पंचानन. ब्रह्मा को
मुख दे दिए, अनेक मुख दे दिए। ब्रह्मा हैज बीन शोन विद हेड्स, मेनी हेड्स। और रावण को भी अनेक मुख दे दिए। एंड रावण हैज आल्सो बीन शोन विद मेनी हेड्स। ब्रह्मा है अधूरा, पतित, और विष्णु है पूरा और पावन। ब्रह्मा इज इनकम्प्लीट सिंफुल, whereas विष्णु इज कम्प्लीट एंड प्योर। विष्णु को भुजाएं दी जाती हैं। विष्णु इज शोन विद आर्म्स। मना विष्णु सहयोगी बनता है। इट मीन्स विष्णु बिकम्स अ हेल्पर। अपनी मनमत नहीं चलाता है। He doesn't enforce his own opinion. अकल नहीं चलाता है। He doesn't use his intellect. मनमत और मनुष्य मत उत्थान करती है या पतन करती है? Do your own opinions and the opinions of human beings uplift you or do they degrade you? मनुष्य मत से होती है दुर्गति और ऊंचते ऊंच बाप से होती है सदगति। There is degradation through the directions of the human beings and there is true liberation, sadgati, through the highest of the high father. Sadgati माने विष्णु, वैष्णव कुल। Sadgati means Vishnu, to belong to the Vaishnav clan. तो ब्रह्मा को क्या कहेंगे, सदगति में है या दुर्गति में है? So, what will be said for Brahma? Is he in sadgati or is he in degradation? ब्रह्मा को अनेक मुख दिखाई जाते हैं। Many heads are shown to Brahma. रावण को भी अनेक मुख दिखाए जाते हैं। रावण इज ऑल्सो शोन विद मेनी हेड्स। तो जरूर तुंडे तुंडे मतर भिन्ना अनेक प्रकार की मत चलाने वाले हैं। सो दे आर सर्टनली तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, मीनिंग दे गिव डिफरेंट काइंड्स ऑफ ओपिनियन। विष्णु को एक मुख दिखाया जाता है। विष्णु इज शोन विद वन हेड। अर्थात एक मत एक राज्य। इट मीन्स वन डायरेक्शन वन किंगडम। बाकी जो भी है वो सब भुजाएं हैं, सहयोगी हैं। ऑल द रेस्ट आर आर्म्स हेल्पर्स। तो कौन अच्छा? सो व्हाट इज बेटर? सहयोगी बनना अच्छा या अपनी अपनी मत चलाना अच्छा? इज इट बेटर टू बिकम अ हेल्पर और इज इट बेटर टू गिव योर ओन ओपिनियन? पहले तो ये पहचानना है कि ऊंचते ऊंच कौन है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिकॉग्नाइज हु द हाईएस्ट ऑफ द हाई इज। जब तक इस बात का पक्का निश्चय नहीं हुआ है तब तक सहयोग भी किसको देंगे? अंटिल यू हैव दिस फर्म फेथ हुम विल यू हेल्प? ऊंचते ऊंच के सहयोगी बनेंगे तो ऊंचते ऊंच कुल के भांति कहे जाएंगे। इफ यू बिकम द हेल्पर्स ऑफ द हाईएस्ट ऑफ द हाई यू विल बी कॉल्ड द मेंबर्स ऑफ द हाईएस्ट ऑफ द हाई क्लैन। ऊंचते ऊंच कुल है ब्राह्मण कुल। द ब्राह्मण क्लैन इज द हाईएस्ट ऑफ द हाई क्लैन। और ब्राह्मण भी संपूर्ण और असंपूर्ण कहे जाते हैं। एंड द ब्राह्मिन्स आर ऑल्सो कॉल्ड कम्प्लीट एंड इनकम्प्लीट। संपूर्ण ब्राह्मण माने निश्चय बुद्धि। अ कम्प्लीट ब्राह्मिन मीन्स द वन विद एन इंटेलेक्ट दैट हैज फेथ। अपूर्ण ब्राह्मण माने कभी निश्चय और कभी अनिश्चय। एन इनकम्प्लीट ब्राह्मिन मीन्स समटाइम्स ही हैज फेथ एंड समटाइम्स ही हैज डाउट्स। तो बताया जो ब्रह्मा बनते हैं वो ही विष्णु बनते हैं। सो इट वॉज सेड दोज हू बिकम ब्रह्मा दे देमसेल्व्स बिकम विष्णु।
और शंकर का तो पार्ट ही नहीं है. वेल देयर इज नो पार्ट ऑफ शंकर एट ऑल. पार्ट बजाया जाता है कर्मेंद्रियों से. द पार्ट इज प्लेड थ्रू द कर्मेंद्रिया. कर्मेंद्रिया ना हो तो रंगमंच पर कोई भी पार्ट नहीं बजाया जा सकता. इफ देयर आरंट द कर्मेंद्रिया नो पार्ट कैन बी प्लेड ऑन द स्टेज. शंकर को याद में बैठा हुआ दिखाते हैं. शंकर इज शोन टू बी सिटिंग इन रिमेम्बरेंस. मोस्टली कोई कर्म करता हुआ नहीं दिखाते. ही इजंट ऑफन शोन परफॉर्मिंग एक्शंस. कहते हैं शंकर ने विष पिया. इट इज सेड शंकर ड्रैंक पॉइजन. तो ये कार्य है अथवा नहीं है. सो इज इट अ टास्क और नॉट. कार्य तो है. इट इज. परंतु वह कार्य करने वाला कौन है. बट हु इज द वन हु परफॉर्म्स दैट टास्क. शंकर है या शिव है. इज इट शंकर और शिव. शिव ही विष पीने वाला है. शिव हिमसेल्फ इज द वन हु ड्रिंक्स पॉइजन. शंकर के लिए नहीं कहेंगे कि वो विष पीता है. इट वोंट बी सेड फॉर शंकर दैट ही ड्रिंक्स पॉइजन. जो वर प्योर है वो ही संसार का विषय वासनाओं को पीना कर सकता है. द वन हु इज एवर प्योर ही अलोन कैन ड्रिंक द पॉइजन एंड विशियसनेस ऑफ द वर्ल्ड. तो शंकर का कोई पार्ट नहीं है. सो देयर इज नो पार्ट ऑफ शंकर. सारा पार्ट ब्रह्मा का अथवा विष्णु का है. द होल पार्ट इज ईदर ऑफ ब्रह्मा और ऑफ विष्णु. तो विष्णु में भुजाएं दिखाते हैं. सो विष्णु इज शोन विद आर्म्स. विष्णु के चित्र में मुख दिखाते हैं. अ हेड इज शोन इन द पिक्चर ऑफ विष्णु. मुख है तो बोलता तो होगा ना. इफ देयर इज अ हेड ही विल सर्टनली स्पीक वोंट ही. और भुजाएं हैं तो सहयोगी बनता होगा. एंड इफ देयर आर आर्म्स ही विल सर्टनली बिकम अ हेल्पर. देवताएं तो हिंसक नहीं होते हैं. द डेटीज डेफिनेटली आरंट वायलेंट. शंकर को तो दिखाते हैं हिंसा करते हैं. ऑन द कॉन्ट्ररी शंकर इज शोन यूजिंग वायलेंस. गाया भी जाता है शंकर द्वारा विनाश. इट इज ऑल्सो सेड देयर इज डिस्ट्रक्शन थ्रू शंकर. तो बहुत सारी पॉइंट्स हैं समझाने की. सो देयर आर मेनी पॉइंट्स टू एक्सप्लेन. नोट नहीं करने से सारी पॉइंट्स भूल जाती है. यू फॉरगेट ऑल ऑफ देम बिकॉज यू डोंट नोट देम डाउन. बाप को तो सर्विस का फुरना रहता है कि पतितों को जाकर के पावन बनाऊं. द फादर इज सर्टनली कंसर्न्ड अबाउट सर्विस थिंकिंग आई शुड गो एंड प्यूरिफाई द सिंफुल वंस. उनको राजधानी का फुरना नहीं है इतना. ही इजंट वेरी कंसर्न्ड अबाउट द कैपिटल. राजधानी का फुरना फिर इनको रहता है. It is these ones who are concerned about the capital. इनको माना? किनको? These ones means who? जिनमें प्रवेश करते हैं. Those who enters. राम और कृष्ण में. That is राम and कृष्ण. इनको राजधानी का नशा रहता है कि हम सांवरे से गोरा बनूंगा. He has the intoxication of the capital, thinking, I will become fair from black. अभी विनाश सामने खड़ा है. Now, destruction is standing ahead. ये विनाश हमारे लिए होना है, पुरानी दुनिया का. This destruction of the old world has to take place for us. और नई दुनिया की स्थापना भी हमारे लिए होनी है. In fact, the establishment of the new world too. Has to happen for us. तो खुशी तो तुम बच्चों को रहना चाहिए. So you children should stay happy.
कहते भी हो कि हम तो आए ही हैं नर से नारायण बनने। यू ऑल्सो से वी हैव कम टू बिकम नारायण फ्रॉम अ मैन। या नर से प्रिंस बनने। और हैव यू कम टू बिकम अ प्रिंस फ्रॉम अ मैन। शास्त्रों में गायन किस बात का है? व्हाट इज प्रेस्ड इन द स्क्रिप्चर्स? नर से नारायण बनने का है। टू बिकम नारायण फ्रॉम अ मैन। फिर फेल होते हैं जो जाकर के प्रजा बनते हैं। इफ यू फेल यू गो एंड बिकम सब्जेक्ट्स। माना अगर नर से प्रिंस बने तो प्रजा पद में चले गए या राजाई में आए? इट मीन्स इफ यू बिकम अ प्रिंस फ्रॉम अ मैन डिड यू अटेन द पोजिशन ऑफ सब्जेक्ट्स और डिड यू अटेन द किंगशिप? प्रजा पद में चले गए। यू अटेन द पोजिशन ऑफ सब्जेक्ट्स। प्रजा कहा ही जाता है प्रकृष्ट रूपेण जायते। दोज हु आर बोर्न इन एन एक्सेलेंट वे आर देमसेल्व्स कॉल्ड सब्जेक्ट्स। जा माने जन्म लेने वाला। जा मीन्स द वन हु इज बोर्न। तो प्रिंस को जन्म लेने वाला कहेंगे या जन्म देने वाला कहेंगे? सो विल अ प्रिंस बी कॉल्ड द वन हु इज बोर्न और द वन हु गिव्स बर्थ? है प्रिंस को जन्म लेने वाला कहेंगे। ही विल बी कॉल्ड द वन हु इज बोर्न। तो प्रजा हो गया ना। सो ही इज अ सब्जेक्ट इजंट ही? तो बोला जो फेल होते हैं वो प्रजा बनते हैं। सो इट वॉज सेड दोज हु फेल बिकम सब्जेक्ट्स। ये तो रूहानी गॉड फादर की यूनिवर्सिटी है। दिस इज सर्टनली द यूनिवर्सिटी ऑफ स्पिरिचुअल गॉड द फादर। तुमको रूह पढ़ाती है। द स्पिरिट टीचेस यू। पढ़ने वाली भी रूह और पढ़ाने वाली भी रूह। द वन हु स्टडीज इज अ स्पिरिट एंड द वन हु टीचेस इज अ स्पिरिट एज वेल। रूह के अलावा और कोई तो पढ़ा भी नहीं सकता है। वेल नो वन एल्स एक्सेप्ट द स्पिरिट कैन टीच यू। इस रूहानी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला अगर देह अभिमानी है, रूहानी स्टेज वाला नहीं है, जिस्मानी स्टेज में रहकर पढ़ाता है, तो उसे रूहानी यूनिवर्सिटी का टीचर कहेंगे? नहीं कहेंगे। इफ द वन हु टीचेस इन द स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी इज बॉडी कॉन्शियस, इफ ही इजंट द वन विद द सोल कॉन्शियस स्टेज, इफ ही टीचेस व्हाइल स्टेइंग इन द बॉडी कॉन्शियस स्टेज, विल ही बी कॉल्ड द टीचर ऑफ द स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी? ही वोंट। तो रूह के अलावा और कोई पढ़ भी नहीं सकता है और पढ़ा भी नहीं सकता है। सो नो वन एक्सेप्ट द स्पिरिट कैन स्टडी और टीच हियर। बादशाही मिलती है तो कोई कम बात है क्या? इज इट अ स्मॉल थिंग दैट यू रिसीव द एम्पररशिप? ये रूहानियत की प्रैक्टिस करनी पड़े। यू हैव टू प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी। परंतु पावन तो बनते नहीं है। बट यू सर्टनली डोंट बिकम प्योर। तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या कर सकते हैं? इफ इट इजंट इन योर फॉर्च्यून हाउ विल यू ब्रिंग इट इनटू प्रैक्टिस? बाप खुद ही आकर के कहते हैं अभी काम चिच्छा पर मत चढ़ो। द फादर हिमसेल्फ कम्स एंड सेज डोंट क्लाइम द पायर ऑफ लस्ट नाउ। ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। दिस इज योर लास्ट बर्थ। विनाश सामने खड़ा हुआ है। द डिस्ट्रक्शन इज स्टैंडिंग अहेड। जल मरोगे। बल बचाने वाला आया हुआ है। यू विल बी बर्न टू डेथ दो द वन हु सेव्स यू हैज कम। तो उनकी मत पर चलना पड़े। सो यू शुड फॉलो हिज डायरेक्शन। अगर उनकी मत पर नहीं चलेंगे तो पूरी ही आग लग जाएगी। इफ यू डोंट फॉलो हिज डायरेक्शन यू विल बी बर्न टोटली। तकदीर में नहीं है
तो प्रैक्टिकल में आए हुए बाप की बात भी नहीं मानते। इफ इट इजंट इन योर फॉर्चून यू डोंट इवन फॉलो द डायरेक्शंस ऑफ द फादर हु हैज कम इन प्रैक्टिस। उनकी बुद्धि में ज्ञान बैठता ही नहीं है कि बाप खुद ही कहते हैं काम शिक्षा पर नहीं चढ़ो। द नॉलेज डजंट सिट इन देयर इंटेलेक्ट एट ऑल दैट द फादर हिमसेल्फ सेज डोंट क्लाइम द पायर ऑफ लस्ट। फेल होते हैं तो फिर चंद्रवंशी में आ जाते हैं। इफ यू फेल यू कम इन द चंद्रवंश। वंश ही दो हैं। देयर आर ओनली टू डायनेस्टीज। नई दुनिया में कितने वंश होंगे? हाउ मेनी डायनेस्टीज विल देयर बी इन द न्यू वर्ल्ड? दो ही वंश हैं। देयर आर ओनली टू डायनेस्टीज। सूर्य वंश और चंद्रवंश। सूर्य वंश एंड चंद्रवंश। सूर्यवंशियों की आबादी कितनी होगी और चंद्रवंशियों की आबादी कितनी होगी? What will be the population of the Suryavanshis and Chandravanshis? सूर्यवंशी होंगे, सतयुग में होते हैं सूर्यवंशी और त्रेता में होते हैं चंद्रवंशी। The Suryavanshis are present in the golden age and the Chandravanshis are present in the silver age. ज्यादा से ज्यादा दोनों की आबादी कितनी होती है? What is the maximum population of both of them? सतयुग में 2 करोड़ हैं सूर्यवंशी। There are 2 crore Suryavanshis in the golden age. वो भी नंबर वार। Well, they are number wise. मतलब वो भी त्रेता में आने के बाद चंद्रवंशी बनते हैं। दो दे ऑल्सो बिकम चंद्रवंशीज आफ्टर कमिंग इन द सिल्वर एज। तो टोटल चंद्रवंशी कितने हो गए? सो हाउ मेनी चंद्रवंशीज आर देयर इन टोटल? 10 करोड़। 10 करोड़। उनमें कहेंगे 8 करोड़ हैं पक्के चंद्रवंशी और 2 करोड़ हैं पक्के सूर्यवंशी। इट विल बी सेड अमंग देम द 8 करोर आर फ्रॉम चंद्रवंशीज एंड द 2 करोर आर फ्रॉम सूर्यवंशीज। जो बाद में चंद्रवंशी बन जाते हैं। हु बिकम चंद्रवंशीज लेटर ऑन। जो फेल होते हैं वो चंद्रवंशी कहे जाते हैं। दोज हु फेल आर कॉल्ड चंद्रवंशीज। उनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठता है। द नॉलेज डजंट सिट इन देयर इंटेलेक्ट। राम के राज्य में आ जाते हैं ना? दे कम इन द किंगडम ऑफ राम डोंट दे? कम पास होते हैं तो राम के राज्य में भी पिछाड़ी में जाकर के राजा बने। इफ दे पास विद फ्यूअर मार्क्स दे बिकम किंग्स इन द किंगडम ऑफ राम इन द एंड। तो उसका भी क्या फायदा हुआ? सो वॉट इज द यूज ऑफ इवन दैट? किसकी तरफ इशारा किया? हु वॉज इंडिकेटेड? त्रेता के अंतिम जन्म की जो 3 गद्दियां हैं, जो स्वर्ग को काट छांट देती है। द 3 thrones ऑफ द लास्ट बर्थ्स ऑफ द सिल्वर एज विच रूइन हेवन। स्वर्ग की दुनिया ही उड़ जाती है। द हेवनली वर्ल्ड इटसेल्फ वैनिशेस। उन गद्दियों के जो राजा बनेंगे वो पिछाड़ी में जाकर के राजा बनेंगे। Those who become kings of those thrones will become kings in the end. कटिंग ही करते रहते हैं, क्रिटिसाइज करते रहते हैं। They keep cutting and criticizing. वो सच्चा सच्चा सुख तो नहीं देख सकते हैं। They certainly can't experience the true happiness. योग का जौहर भरता नहीं है। There isn't the excellence of remembrance. बाप कहते हैं अपन को आत्म समझो।
और आपस में बहुत प्यार से चलो। द फादर सेज कंसिडर योर सेल्फ एज अ सोल एंड गेट अलोंग विद ईच अदर वेरी लविंगली। परंतु जिनमें ज्ञान ही नहीं बैठता कि हम आत्मा आत्मा भाई भाई हैं और प्रैक्टिकल में हमारा बाप आया हुआ है। बट द वंस इन हूज इंटेलेक्ट द नॉलेज डजंट सिट एट ऑल, वी द सोल्स आर ब्रदर्स फॉर ईच अदर एंड आर फादर हैज कम इन प्रैक्टिस। तो ज्ञान न होने के कारण आपस में प्यार ही नहीं रहता है। Because of not having the knowledge, they don't have love for each other. बाप आते ही हैं स्वर्ग की बादशाही स्थापन करने। The father certainly comes to establish the emperorship of heaven. बादशाही थी ना? There was the emperorship, wasn't there? भारतवासी तो लाखों वर्ष कह देते हैं। Well, the Bharatvasis mention lakhs of years. ऐसी बात कहने से फिर सब कुछ भूल गए हैं। As a result of saying that, they have forgotten everything. कभी कभी समाचार आते हैं बच्चे गिर जाते हैं। Sometimes he receives the news that the children fall. तो बाद में बाप को पता पड़ता है। The father comes to know about it later on. अरे तुम तो काम चिच्छा पर बैठकर जल मरे। He says, अरे You were burnt to death sitting on the pyre of lust. फिर 100 गुना दंड लग जाता है। Then you suffer 100 times punishment. ऐसे फिर ऊंचा पद नहीं पा सकते। Then such ones can't attain a high position. क्योंकि बाप की निंदा कराते हैं। It is because they defame the father. वो समझते हैं कि बाप कोई देखता थोड़े ही है। They think the father definitely doesn't see us. तो बाप भी कहते हैं मुझे क्या पड़ी है एक एक को देखने की। In fact, the father also says, what is the need for me to see each one individually? बाप तो आकर के ज्ञान सुनाते हैं। As a matter of fact, he comes and narrates the knowledge. कायदा कानून बताते हैं। He tells you the rules and regulations. जो जैसा करेगा वैसा पद पावेगा। As is the purushart someone makes, so is the position he attains. अच्छा बच्चों को नमस्ते। अच्छा नमस्ते टू द चिल्ड्रन। ओम शांति। ओम शांति।